इंडियन ज्योग्राफी। ओके तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना था, उसमें जो हमको स्टैटिक जो पोर्शन होता है ना, ठीक, तो उसको हम लोग कवर करते हैं, कोशिश करें कि याद करने के लिए, ठीक है। और कोई समस्या होगी, कहीं समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी अगर स्टार्ट करें तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल, हिंदी में बोलते हैं, है ना, भूगोल। तो जियो प्लस ज्योग्राफी जो है, जियो प्लस ग्राफियो से बना है, जो ग्रीक शब्द है एक प्रकार का। किस प्रकार का शब्द है? ग्रीक, है ना, ग्रीक शब्द है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफ मतलब होता है, ग्राफिया मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ना, यानी पृथ्वी को पढ़ना, पृथ्वी का अध्ययन करना, या ठीक है, पृथ्वी पर लिख के बारे में लिखना या पृथ्वी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो इससे शाब्दिक अर्थ हमारा निकलता है भूगोल का। हिकेटियस, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6वीं शताब्दी में इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया, ठीक, इसीलिए उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हिकेटियस नाम था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो मॉडर्न अगर एज के अगर हम ज्योग्राफी के फादर बोले तो हम्बोल्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, ठीक है, लिख दें भूगोल। अच्छा, ऐसे हिंदी में देखोगे भूगोल का मतलब है पृथ्वी गोल, ये तो मतलब हुआ ना, गोल पृथ्वी, है ना, तो इसका मतलब भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी गोल। एक्चुअली में भूगोल का मतलब होता है जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफ, ग्राफ है, वाई नहीं रहता है, तो इसका मतलब है अध्ययन या पढ़ना, पढ़ना लिखना, यानी इसका मतलब हो गया पृथ्वी के बारे में जानना, लिखना, पढ़ना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक। किसके बारे में? अध्ययन करना, पढ़ना या लिखना, ठीक। जनक किसको बोलते हैं? तो ठीक है, अभी आधुनिक जनक हम्बोल्ट, बोल्ट, है ना, हम्बोल्ट, ये आधुनिक हो गया, और ये आपका जनक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें भारत में रेनन आते हैं, रेनन, ठीक है, 1942 में रेनन ने भारतीय भूगोल का अध्ययन किया था, वो सब जाने तो ठीक, नहीं तो कोई इतना बड़ा बात नहीं है, बस इसको थोड़ा जानेंगे। थिकेटियस को जनक कहा जाता है भूगोल, सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया एक्चुअली में, ठीक है, भूगोल का। उसके बाद आपका हम्बोल्ट जो है आधुनिक भूगोल के जनक कहलाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर भूगोल की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें भूगोल दो प्रकार से, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें हम विश्व के बारे में पढ़ते हैं, और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में दो चार टॉपिक्स ही हैं आपके, तो उस दो चार टॉपिक्स को हमको देखना है, ठीक है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा हम लोग पहले इंडिया को जान जाए, ठीक है, भारतीय भूगोल को जान जाए, फिर हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं, उसके बाद देखें तो थोड़ा देखो इंडिया की अगर बात करें तो भारत हमारा ठीक, मान लो ये हमारा भारत है, ठीक, अब समझना था, ठीक, इस भारत के बारे में आपको जानना है, इस भारत के आसपास क्या है, ठीक है, जैसे लिखा ना भूगोल मतलब क्या, अध्ययन करना, तो भारतीय भूगोल लिखा है, मतलब देखो भूगोल मतलब पृथ्वी का अध्ययन, और ऐसे देखोगे तो भारतीय भूगोल मतलब भारत का अध्ययन करना, तो इसके जितने भी हमारे सब चीज़ें हैं, नाम है, जगह है, प्लेसेस है, इसी के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, तब सुनो तो थोड़ा समझो, ये हमारा भारतीय भूगोल है ना, तो भारतीय भूगोल में हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, स्थान देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे, जलवायु देखेंगे, ठीक है, यही तो हुआ ना, और क्या देखेंगे, है ना,
स्थलाकृति स्थानवित हो गया, स्थलाकृति उसके बाद हम लोग देखेंगे चट्टान देखेंगे, क्या देखेंगे चट्टान और क्या देखेंगे मिट्टी देखेंगे, फॉरेस्ट नहीं है चैप्टर में आपके, पर्यावरण है ठीक है उस पर्यावरण में देखते चट्टान, उसके बाद आपका क्या हो गया भौतिक विभाजन देखेंगे, क्या देखेंगे विभाजन देखेंगे और क्या देखेंगे तो नदी देखेंगे ठीक है। ये सब चीज़ें हैं मुख्य मुख्य से ठीक, एक बार सिलेबस आप खोल के देखना ठीक। उसके अलावा जो चीज़ें हैं आपने देखा लिखा जैसे इसमें पर्यावरण वगैरह लिखा है ठीक है, पढ़ो तो एक बार सिलेबस को। बस हाँ है ना, तो देखो उसमें आपका क्या लिखा है भौगोलिक विभाजन ठीक है, उसके अलावा क्या है मिट्टी चट्टान पढ़ना है तो मिट्टी पढ़ना ही पड़ेगा, मिट्टी और चट्टान ठीक है, जलवायु एक पढ़ा देते हैं, स्थान वही प्राकृत भारत का भौगोलिक स्वरूप ठीक है, उसके बाद उसी में हमारे भौगोलिक स्वरूप में हमारे नदियाँ भी आ जाती ठीक है ओके। और वनस्पति हाँ प्राकृतिक पर्यावरण में चला जाएगा, फॉरेस्ट में उसमें आएगा टाइगर रिजर्व वगैरह सब पढ़ लेंगे है ना, तो पर्यावरण का अभी क्लास लगेगी ना आपको पता है ना, इसके बाद 11 बजे से क्लास है जो किसकी है साइंस, कैसे पता चला अच्छा बताए ठीक, तो वही साइंस की क्लास है उसी में आपका एक आध दो दिन पर्यावरण भी हो जाएगा ठीक है। तो जो लिखा है ना प्राकृतिक वनस्पति में वो तो पर्यावरण का सिलेबस में आ जाएगा ठीक है, तो अपने को मोटा मोटी ये हमको पढ़ना है ठीक है, टॉपिक वाइज रहेंगे ज़्यादा सही रहेगा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भारत के स्थलाकृति स्थान वगैरह को देखते हैं ठीक है, एक्चुअली में ये भी बहुत बड़ा ही चैप्टर है ठीक है, इसमें भी समय ही लगेगा तो स्टार्ट करें। तो देखो भारत है तो भारत के बारे में पहले थोड़ा आप जानो ठीक है, तो भारत को हम दो प्रकार से जानेंगे, एक इंटरनली ये जो भूलैंड है वो ठीक है, और दूसरा कौन सा हमारा ये जो बाहरी जो स्थल है वो जो समुद्र वाला स्थल है ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग कैसे भारत को लेकर, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, क्षेत्रफल कितना है इसका, यही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय भूगोल को, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी और बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो जितना अच्छा जानता है ना उसका अदर सब्जेक्ट और अच्छा हो जाता है ठीक है, ज्योग्राफी बहुत बेस बनाता है तो ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी अच्छा अगर कर लेना तो बाकी सब्जेक्ट बहुत ईजी पढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ चीज़ें बताई जैसे फैक्चुअल चीज़ें बताई ना, अगर स्टेट पता हो आपको जिले पता हो तो आपको बहुत आसानी से उसको ट्रेस करने में आसानी होगी ठीक है। तो अभी भारत की देखें तो क्षेत्रफल कितना है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ठीक है, कितना है 32,87,200 यानी 32,00,000 ऐसे 87,263, इसी में थोड़ा सा कंपेयर कर लें क्या ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ का कितना है 135,191 या 192 ठीक है वर्ग किलोमीटर है, 192 भी बोलते हैं 191 भी बोलते हैं ना, एक जगह 191 ले लिया मत ठीक है चलो, मगर समझो ना ये 32,00,000 और ये कितना लाख 1,35,000 और ये 32,00,000 दिख रहा है ना, तो अगर इसका कंपेयर करोगे तो कितना परसेंट आएगा, ये कितना आएगा 4.11% है ना ओके okay. तो पढ़े ना छत्तीसगढ़ में पढ़ते ना, तो इतना परसेंट है ये। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अभी वर्तमान में तो ज़्यादा हो गया 41 पार हो गए हैं, भारत की जो जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक 1,121,00,000 कितना है मतलब 121 करोड़ लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में कितने हैं भाई, छत्तीसगढ़ को यही देखोगे तो 2,55,48,198 ठीक है 2 करोड़, यहाँ कितना 121 करोड़ अंतर है, अगर इसकी कंपेयर कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाता था, पढ़ते थे ना छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो ना जी yes. है ना, पहले तो स्टार्ट यहीं से हुआ होगा क्या है ना क्षेत्रफल वगैरह से ही, तो 2.11 याद आया, तो देखो देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 लगा लेना ठीक है, सुनो ना देखो कन्फ्यूजन होता है ओके तो मान लो जैसे अरे 4 पॉइंट था कि किसका सबसे ज़्यादा दिक्कत क्षेत्रफल और आपका उसमें होता है पॉपुलेशन में होता है, तो एक तो याद करेगा दूसरा ऑटोमेटिक बनेगा बाय डिफॉल्ट
तो कैसे करोगे? देखो चश्मा, 255 है ना हमारा जनसंख्या, तो 255 से याद रखना हमारे कंपेयर करेंगे भारत की जनसंख्या से, तो 2.11% और बाकी दूसरा जो बचा वो 4.11% क्षेत्रफल हो गया, ऐसे करके बनेगा ठीक है। तो 2.11% हमारा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कंपेयर करेंगे इंडिया से, तो ओके। तो ये भारत की, भारत पड़ रहा है तो भारत की क्षेत्रफल इतना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी अगर राज्यों की बात करें तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बताओ पहले, क्योंकि हम लोग पॉलिटी भी पढ़े हैं, तो 28 राज्य मैंने बताया है डेट वाइज, याद है कि मतलब बताना पड़ेगा, ये आप देखोगे तो बन भी जाएगा 28 राज्य कौन कौन से बने, कब कब बने ऐसे ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश ओके। तो 28 राज्य पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारे भारत में भूगोल का ही चैप्टर है ठीक है, कि 28 राज्य कौन कौन से हैं और कब बने ठीक। बोलोगे तो बताऊंगा, अगर नहीं पता होगा तो नहीं, तो फिर मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा, 28 राज्य बस अभी लिख के छोड़ दूंगा, फिर बन जाएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर बताना आपको नहीं पता होगा तो ठीक। याद है वो बताया था ना, गुनाह है ममता से आंख मिलाना, तो ये मैंने पढ़ाया ना आपका उसमें, तो 28 राज पूरे पूरे गिनाए थे ना, अगर नहीं होगा तो एक बार वीडियो भी देखिएगा ओके। तो पॉलिटी में ऑलरेडी मैं 28 राज पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ 28 राज कौन कौन से ठीक। देखो चलो, क्योंकि भूगोल पढ़ना और अगर आपको स्टेट नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी ना ठीक। एक बार आप देखेंगे, मैं फिर भी दोहरा दूंगा, ये क्या है आपका, ये वाला लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये वाला जम्मू कश्मीर, इधर आपका कौन सा हो जाएगा तो पंजाब, उसके नीचे पंजाब ठीक है, पंजाब के नीचे हरियाणा, कहाँ आ गया जी, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, इसके बाद कौन सा जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे ये कौन सा जाएगा केरला, क्लियर है ना, केरला के इधर बाजू में कौन सा हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के इधर ही हो जाएगा कौन सा आपका आंध्र प्रदेश ठीक है, थोड़ा ये बड़ा रहता है ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद इधर जो आपका हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये भी बड़ा रहता है ठीक, कहाँ गया ये बड़ा, ये वाला, इसके बाद ये हमारा जो है इधर, ये वाला कौन सा हो जाएगा तेलंगाना, इधर आपका उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाजू में ऐसे सीधा निकल जाएगा तो कौन सा आ जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल, इधर आपका कौन सा हो जाएगा आसाम, आसाम इसके नीचे, आसाम के नीचे मेघालय, और ये वाला जो होगा ये कौन सा हो जाएगा त्रिपुरा, भी कई बार आएगा वैसे है ना त्रिपुरा। इधर चार्ट हो देखो, इस चार्ट में बात बताऊँगा, इसी में कन्फ्यूजन होता है फिर ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर देखो अब इधर आ जाओ कैसा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे जाओगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड बड़ा हो गया उत्तराखंड, इधर आपको आ जाएगा देखिए ये वाला है सेक्शन है आपका हरियाणा, कौन सा हो जाएगा हरियाणा, बीच में दिल्ली पड़ता है ठीक है, और ये पूरा आपको ले लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ये हमारा यूपी, और ये वाला आपका मध्य प्रदेश, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा सी जी ठीक है। इधर आइए, इधर इधर अलग से बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है इसको है ना, मैप है जी पहले थोड़ा, हाँ क्या पूछ रहे, बोला ना दिल्ली, आपका यूटी है ना छोटा सा इतना, ये दे इतना ही बड़ा है मैप में, जैसे ये है ना ये हरियाणा, ये इधर छोटा सा ये दिल्ली ठीक है, हरियाणा टच करता है, थोड़ा सा आपका राजस्थान टच करता है, यूपी टच करता है, और गोल सा है ठीक है, बहुत छोटा है। अब सुनिए, उतने में ही छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या रहती है वहाँ पर उतने में ही ठीक है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर, उतना ही छोटा दिख रहा है मैप में, उतना ही बड़ा है वो ठीक है, उतने में ही आपका छत्तीसगढ़ से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ, देख लो कितना घनत्व, यहाँ पर समझे यहाँ पर दिक्कत होता है ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर है ये सिक्किम, कौन सा है क्लियर है सिक्किम, ऊपर में सिक्किम के बाजू में यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये वाला हो जाएगा आपका आसाम, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लियर है आसाम ठीक है। आसाम के नीचे जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो ये वाला पड़ेगा आपका मेघालय, क्या पड़ेगा ध्यान देना आसाम के नीचे मेघालय, मैप देखिएगा जाकर ठीक है। मेघालय के नीचे ये जो निकला हुआ हिस्सा है ना, तीन ओर से, एक दो तीन, तीन ओर से ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है,
और इसलिए इसको जीरो लाइन, ये वाला बॉर्डर है ना, इसको बॉर्डर में बढ़ाऊंगा ना, जीरो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीरो लाइन। तो हम लोग पढ़ेंगे भी जीरो लाइन कौन है, कौन सा ऐसा है जो जीरो लाइन पे है, तो त्रिपुरा है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? तो त्रिपुरा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिए इधर का बच गया बस, ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद इधर वाला मिजोरम, सॉरी मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर के नीचे है आपका ये मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ये चार स्टेट ऐसे याद रखने, ठीक है, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चार हो गया, त्रिपुरा पाँच, मेघालय छः, आसाम सात। इन्हीं को हम लोग सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा सेवन सिस्टर में मैंने एस बनाया है, जो सिक्किम ना, सिक्किम नहीं आता है, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? तो गिल्लो, आसाम, उस देखो आसाम के नीचे तीन ठो, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, और इधर चार से क्रम से, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और बन जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है हमारा 28 राज्य के बारे में, ठीक है। आठ क्या हुआ? क्लियर है? आठ केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, उसको भी एक टुक कर लेते हैं। हाँ बताओ तुम जी, आठ केंद्र शासित प्रदेश है ना, कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा हो जाएगा? ऊपर से ले लो, ये वाला लद्दाख, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर, एक ये आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़, उसके बाद ये वाला दिल्ली, ठीक है, चार तो ऊपर हो गया, ठीक है। कौन कौन सा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। इधर आपका कौन सा हो जाएगा? तो दमन द्वीप, दादर, नागर हवेली, हवेली, ये हो गया पांच। इधर आपका कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। इधर आपका पुडुचेरी, और इधर लास्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, हो जाएगा। चार इधर, चार ऊपर, चार नीचे, ठीक है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा ही सब पता है, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़े हैं, चर्चा भी किए हैं, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटा जो क्लास का बच्चा होता है ना, जीके जो पढ़ता है, चौथी पाँचवीं, उसको भी पता रहता है 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश पता है ना, पूछ लें आपसे, कैसे नहीं आए थे जी उस दिन, हाँ काम बूता कर रहे हैं, हाँ बताओ तो ये 28 8 केंद्र शासित प्रदेश बताइए तो, हाँ 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 मेरे उसको कौन देख रहे हो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, है ना, लक्षद्वीप इधर है और पुदुचेरी इधर, पुदुचेरी और आपका यहीं पर दो जगह बस है, एक पुदुचेरी है, ठीक, और एक कौन सा? दिल्ली। यही दो जगह क्या होता है? विधानसभा है, और बाकी विधानसभाएं नहीं है, है ना। तो ये हमारे क्या होगा? 28 राज्य हो गए, क्लियर। चलो देखो, अब देखते हैं हम लोग 28 राज्य में से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हो, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग वापस आते हैं, या फिर पहले इसी कर लेते हैं, फिर लैटिट्यूड करवा देता हूँ, ठीक है। 28 राज्य है ना, अब इसी राज्यों में से हमको बाउंड्री वगैरह देखनी है, ठीक है, भारत की बाउंड्री किसके किसके साथ टच करती है, क्या है, कैसा सीन है, तो इसको हमको देखना है। सबसे पहले आउटर कोर को देख लेते हैं, ठीक है, मतलब बाहरी बाहर वाले को देख लेते हैं, फिर अंदर वाले को देख लेंगे, ठीक है। तो ये 28 राज्य हो गए, फिर मैं आपको लैटिट्यूड बता दूंगा, बताना ही है वैसे भी। देखो यहाँ पर समझो, देखिए ये भारत है हमारा, भारत में अगर समुद्री सीमा पहले इधर का कर ले, ठीक है, फिर इधर चल चलेंगे। पहले हमारा देखो, हमारा बाउंड्री किसके किसके साथ लगता है, ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं ना, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी पड़ोसी देश बोलना चाहिए था, सॉरी, भारत के पड़ोसी देश, जैसे छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य बोलते हैं ना, कौन कौन से हैं ऐसे गिनते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश है, फिर इधर आपका यूपी है, फिर झारखंड है, ऐसे उड़ीसा, गिनते हैं कितना कितना है बाउंड्री ऐसे, वैसे ही भारत के कौन कौन से,
ठीक है। तो भारत के देखो एक बार बाउंड्री, एक होगा थल सेना, थल सेना थल सीमा, और एक कौन सा होगा जल से, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो भारत भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत जो है अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप एक मतलब एक यूनिक टाइप से देश है। देखे जैसे इस ये इतना ऐसे इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा भूभाग है जो तीन ओर से किधर से घिरा हुआ है, समूह से घिरा है, ठीक है। इसलिए उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। इसके ऊपर इधर शिखर पे देखोगे तो क्या मिलेगा आपका हिमालय मिलेगा, ठीक है। इधर आपके पैर में पखारते कौन मिलेगा तो हिंद महासागर, एक ऐसा सागर जिसका नाम ही किसका है इंडियन ओशन के नाम से रखा गया, मतलब इंडियन ओशन बोलते हैं ना नीचे वाले को, तो क्यों बोलते हैं भारत का पैर है ना, यत्र हिमादस्य चत्र बोलते हैं ना, ये जो आपका विष्णु पुराण में मतलब भारत का जो है डेफिनेशन देते हुए कहा गया है, ठीक है। यस उत्तरम हिमदस्य, ठीक है, पश्चिम तत्र सागरम, ऐसा कुछ है ना। तो विष्णु पुराण का पूरा श्लोक है भारत का डेफिनेशन। आर्य पहले क्या बोलते थे, आर्यवत बोलते थे, भरत भरत जो है ना उनके नाम पे भारत बना, भारत जो नाम है उसके नाम पे रखा गया। तो भारत की बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। आप उसको ज्योग्राफी में अपने मतलब इंटरेस्ट के लिए पढ़ें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये है कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन, पड़ोसी सॉरी देश कौन कौन से, ठीक है। तो देखो तो एक बार देखो, देखो बहुत आसान है याद करें तो, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा ये हमारा सबसे फ्रेंड, कौन सा हो जाएगा हमारा सगा भाई बंधु लड़का पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद कौन सा जाएगा तो अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से फिर इधर जाओगे तो कौन सा जाएगा तिब्बत, या तो अभी कब्जा कर लिया है चाइना, ठीक है। अगर आप यहाँ आएंगे तो ये कौन सा है नेपाल, ये वाला आएंगे तो भूटान, क्लियर है ना मैप, है ना ज्योग्राफी यही है। उसके बाद क्या है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के बाद बांग्लादेश, ठीक है। देखो तो कितना है, गिनो तो कितना है जी, सात है, यही आपको याद रखना है। भारत के भारत की सीमा को छूने वाले कितने देश हैं, ठीक है, स्थलीय सीमा को छूने वाले कितने देश हैं सात, ठीक है। उतना कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते, पाकिस्तान उसके ऊपर अफगानिस्तान, चीन या तिब्बत बोल दो, ठीक है, नेपाल, उसके बाद भूटान, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, बन जाएगा, ठीक है, स्थल सीमा को। और पूरी सीमा को किसके हिसाब बाउंड्री तो दो और मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा भारत का आपका किस 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 मतलब भारत के पड़ोसी देश ऐसे बोलेगा तो नौ हो जाएंगे, ठीक है, दो और बढ़ जाएगा। और भारत का आपका भूमि सीमा, ये जो आपका स्थल मंडल है किसके किस छोड़ता है, सात देशों के साथ। दो और कौन कौन से बढ़ रहे हैं वो ध्यान दो, ठीक है, कौन सा बढ़ेगा बता दो आप ही लोग। एक कौन सा होगा तो श्रीलंका, श्री लंका, और एक कौन सा हो जाएगा इधर मालदीव, कौन सा हो जाएगा मालदीव, है ना, घूमने जाते हैं ना इधर, ठीक है, कपल्स लोग का फेवरेट है ये जगह, तो ये मालदीव दो और हो जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देश बोलेगा तो नौ, कितने हो जाएंगे जी नौ। और भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है तो सात, ये अंदर आ गया, इधर क्वेश्चन गया फिर, भारत की बहुत बेसिक क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है तो सात देशों से, और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं तो नौ है, ओके, बन जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, पढ़ा हुआ है ना कभी तो मैप हो तो देखते ही होगे, ठीक, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ठीक है, स्टैटिक जीके है ये सब। उसके बाद देखो इन सात में से पूछता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है ना, तो वहाँ जहाँ वैसे क्रम से याद करना पड़ता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा ट्रिक लगा लो, है ना। एक तो हमारा सुकमा का एक लड़का था, बहुत फेमस हुआ था वो क्या बोलते हैं उसको, वो बादशाह बुलाया था, बादशाह, ठीक है, सहदेव, उसका गाना फेमस हुआ था, पता है हाँ, बचपन का, वही याद कर लो आप इसमें, ठीक है, क्या याद करोगे, बचपन, बचपन नहीं है वो, बचपन है बस, वो तोतला था है कि नहीं, तो बचपन का ऐसे बोलते हैं, तो बचपन का प्यार आप याद रखें, है ना, बचपन का प्यार में आप पढ़ेंगे क्या सीमा, क्या पढ़ेंगे भारत की अन्य राज्यों के साथ सीमाएं, कौन क्या बोलो तो बोलो ना उसको, बस क्या बोलते हैं, हाँ बोलो ना जी बचपन, फिर बोलो दोहराओ, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, स्थल
स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितने देशों से? 7। पड़ोसी देश? 9। ठीक है, और क्रम से अगर याद करना है तो क्या करोगे? तो बचपन का प्यार को याद करोगे, है ना? ठीक है, देखो बस, बस हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, है ना? ब च, है ना? बस से च से होगा चीन, है ना? ओके, बचपन, बच च, प, प से हो जाएगा हमारा, हमारा भाई पाकिस्तान, लड़का पाकिस्तान, बचपन, न से क्या हो जाएगा? नेपाल। और बताओ, देखो तो अब कितना आसान हो जाएगा, इतना ही तो है, ठीक है? ये क्रम से है, ठीक है? बचपन का प्यार याद रखेगा, बस है, हमारी सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, ओके? उसके बहुत चर्चा से चाइना, दूसरी सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? चाइना के साथ, ठीक है? बच्चा पो, पो से पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। देखो आजकल क्या कर रहा है ना, पहला नंबर गायब कर दे रहा है, दूसरा गायब कर दे रहा है, तो तीसरा चौथा याद रहेगा, और चौथे नंबर पे किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ, ठीक है? उसके बाद सबसे कम सीमा देखोगे तो किसके साथ लगेगी? अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितना? 106 सबसे कम। मगर अभी बता दूं, ये जो क्षेत्र आप जानते ही हैं, जैसा कि ये अभी किस में आ रहा है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहा है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वर्तमान में अगर देखा जाए तो सीमा हमारे यहाँ टच नहीं करती, बट अगर मैप में देखा जाए तो करती, ठीक है? ये वाला क्षेत्र हमारे कब्जे में नहीं है ना, ठीक है? तो 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान की, जो कि सबसे कम, ठीक है? और सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, याद रहेगा, ठीक है? क्रम से पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार, क्लियर है? बच जाएगा तो ये हमारा हो गया, ओके। इसके बाद देखिए बाउंड्रीज भी होती है, देखो इसमें कौन कौन सी बाउंड्री है, क्या बाउंड्री का नाम है, ठीक है? इसको हम देखेंगे, पहले मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार समुद्र वाला क्लियर कर लेते हैं इधर का, ठीक है? क्योंकि वो बहुत कम सुना है। जैसे देखो यहाँ पर बाउंड्री मिलेगी, यहाँ पर आपकी बाउंड्री मिलेगी, तो क्या क्या नाम से जानते हैं, ओके? नाम तो होगा ना कुछ, जैसे मान लो आपको यहाँ पर जाना है तो इसको क्या बोलेंगे? MP बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश बोलेंगे, पहुंच जाओगे मध्य प्रदेश में, भोपाल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। मगर मान लो आपको यहाँ जाना है तो कैसे पहुंचोगे जी? बोलोगे समुद्र में जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, ठीक है? वो भारत की इधर ना, इस साइड वाला पश्चिम साइड में समुद्र जाना है, किधर जाना है भाई बताना तो पड़ेगा ना, एक एड्रेस होता ना, वैसे समुद्र में भी एक एड्रेस होता है, तो उसी को हमको देखते हैं कि क्या क्या नाम से जाना जाता है। पहले इधर क्लियर कर लेते हैं समुद्र को, पूरा हटा खत्म, और उसके बाद फिर से वापस आऊँगा यहीं पर, और यहाँ से स्टार्ट करूँगा सर्किल की रेखा, फिर बॉर्डर पे, फिर आपका 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर इधर आपका आपका रेड क्लिफ लाइन, उसके बाद इधर आपका POK, फिर अक्साई चीन वगैरह करते हुए पूरा बॉर्डर करेंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले क्या रखते हैं, समुद्री बाउंड्रीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बन जाएगा इतना, आगे बढ़ूँ, पूछूंगा अभी। चलो देखो भारत है ना, इस भारत की अगर बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला। तो सबसे पहले देखिए ये इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला गुजरात है ना, 1 2 3, ठीक है? इसको बोलेंगे आपका काठियावाड़ा, क्या बोलेंगे? काठियावाड़ा। काठियावाड़ा से पहले पोरबंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोरबंदर तट, है ना? तट होगा ना जी, ये वाला कौन सा तट कहलाएगा? पोरबंदर तट। पोरबंदर सुने हो ना, पोरबंदर में कौन थे हमारे, है ना? महात्मा गांधी जी थे ना। पोरबंदर तट कहाँ? गुजरात, ठीक है? उसे दूसरा आएगा काठियावाड़ा, क्या आ जाएगा? काठियावाड़ा। कौन सा तट है? काठियावाड़ा तट। कौन सा तट? काठिया, बहुत फेमस है ना, काठिया फाफड़ा चीपड़ा बहुत फेमस रहता है ना, है ना? खाता ना ढोकला फोकला, है ना? गुजराती लोग तो काठियावाड़ा कैसे नहीं याद रहेगा, बोले काठियावाड़ा तट किधर है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, किधर है? किधर है काठियावाड़ा, है ना? काठियावाड़ा बन जाएगा। और उस कहाँ आते रहे हो? काठियावाड़ा तो कौन सा मूवी देखती है? नहीं यार, काठियावाड़ा मूवी का नाम बताओ तो। क्या? हाँ, गंगूबाई काठियावाड़ सरनेम है वो, हाँ उसी को याद करें, पिक्चर का नाम, पिक्चर का नाम।
गंगू भाई काठियावाड़, हाओ नाम है ना उसका, हो गए देखो इधर मैं बता रहा था आपको, सबसे पहले पोरबंदर कौन सा तट, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, देखो रटना नहीं, पोरबंदर हमारे गांधी जी, उसके बाद काठियावाड़ छिपड़ा पापड़ा कौन सा हो जाएगा, गुजराते होगा, ठीक है, एक एक बस पढ़ना है गुहिलवाड़, कौन सा पढ़ना है गुहिलवाड़, ठीक मैंने बोल गुहिलवाड़ वाड़ है ना गुहिलवाड़, तो गुहिल देखो एक चीज, ये जो तट है ना, ये तट बोले ना तट का नाम होगा ना, तो तट है सबसे पहला कौन सा, पोरबंदर, फिर काठियावाड़, फिर गुहिलवाड़, गुहिलवाड़ याद है कौन सा, गुहिलवाड़, तीन तट पड़ेंगे गुजरात में, अरे फेमस पोर्ट पोर्ट पड़ेगा इधर, ठीक है, देखो ये वाला जो तट है ना बोले ना समुद्र वाला, ये वाला बोले ना, इस तट का नाम तो होगा ना, ठीक है ना तट का, तो इधर वाले तट में जाओगे तो क्या बोलेंगे, पोरबंदर, इधर वाले जाओ क्या बोलेंगे, काठियावाड़, इधर का हो गया गुहिलवाड़, अरे सबसे ज्यादा मतलब बहुत ट्रेडिंग होता है ना, पूरा बता रहा हूँ आपको, देखो एक तो मछली के लिए फेमस है, एक पेट्रोलियम के लिए फेमस, पेट्रोलियम है पेट्रोलियम ना, पूरा पेट्रोलियम आता है ना, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल यहीं तो आता है, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस रिफाइनरी यहीं पर तो लगी है जामनगर गुजरात में, आता है क्रूड ऑयल पूरा रिफाइन होता है, पूरे पूरे देश में जाता है रिफाइन होने के लिए, तो हमारा जो पेट्रोल आता है कहाँ पर, यही सब तट में आता है, अभी शुगर बहुत बड़ा वो फैक्ट्री पकड़ाया था उसका, क्या बोलते कोकीन का, ठीक है, तो कहाँ पकड़ा था, यही तो पकड़ाया था, ठीक है, याद रखिए, एक यहाँ पर आपका फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा आपका क्या है, हब है, तो ये सब याद रखना है ना आपको, ये तट को काम आना है आगे, सब चीज़ पढ़ेंगे अभी बताओ, मान लो वही बोला करंट अफेयर्स आपको जोड़ना है, और मान लीजिए आपने कभी सुना कि गुजरात तट में काठियावाड़ के पास, ठीक है, काठियावाड़ या गुहिलवाड़ तट में, या फिर ये जो पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, कोकीन पकड़ाया है या फिर कुछ जब्त हुआ है, जैसे रईस पिक्चर देखोगे तो यही सब तट तो है ना, यही सब है, तो ये सब ये याद रखना है, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, क्या बोलते हैं की खाड़ी, ठीक है, किसकी खाड़ी है, और यहाँ पर ये ना थोड़ा धंसा हुआ है, ऐसे करके ऐसे धंसा हुआ है, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, क्या बोलते हैं खंभा, सुने तो हो खंभात की खाड़ी, तो दो खाड़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत फेमस फेमस खाड़ी हैं, एक आपकी कक्ष की खाड़ी, मलक्का आपका फिश बैंक है, कक्ष की खाड़ी, और दूसरा कौन सा है, खंभात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, खंभात, तो याद रखिएगा दो ठो, कक्ष खाड़ी बीच वाला, ठीक है, और अंदर ये वाला जो मैप है ऐसे धंसा हुआ है, मैप देखना है एक्चुअली में, तो ये वाला बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी, क्या बोलते हैं खंभात, तो दो खाड़ियाँ भी गुजरात में मिल जाएंगी, ठीक है ना, तो इधर वाला कौन सा, बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, बंगाल की है ना, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, अच्छा कच्छ करण ये पड़ेगा, हाँ अंदर है, अंदर है, ठीक है, बॉर्डर बनाता है हमारा कच्छ करण, ठीक है, ठीक, तो याद रखिए कच्छ की खाड़ी और खंभात खाड़ी बनेगा, और तीन तट, उसके बाद जी कहाँ पर हमारा ये वाला दूसरा तट देखें, इधर आ जाओ फिर, अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा, गोवा में जो तट है इसका नाम है कोंकण तट, क्या नाम है, कोंकण तट, सुने हो ऐसा कोंकण तट, कोंकण रेलवे भी है, तो जो आप जब गोवा नहाने जाएंगे ना, तो जिस तट पे नहाओगे ना उस तट का नाम क्या है, कोंकण तट, कौन सा तट, कोंकण, कोंकण तट बन जाएगा, तो कोंकण तट कहाँ, महाराष्ट्र और गोवा वाला जो एरिया समुद्र का पड़ता है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं कोंकण तट, बहुत बहुत ट्रेडिंग होता है यहाँ से, बहुत व्यापार होता है कोंकण तट, ओके, यहीं पर आपका पोर्ट है नहावा सेवा, ठीक है, आपका नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और एक थोड़ा नहावा सेवा पोर्ट, बहुत फेमस पोर्ट है, बहुत ट्रेडिंग होता है, कंप्यूटरीकृत है वो पूरा, तो बस आप ये याद रखिए कौन सा है, कोंकण तट बन जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, महाराष्ट्र और गोवा, ओके, उसके नीचे कौन सा पड़ता है, तो अभी बताए तो कर्नाटक, कर्नाटक में बनेगा कनार तट, कौन सा तट, कनार तट, कौन सा तट है, कनार, 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 कर्नाटक में, कैसे कर्नाटक, कैसे कनार, और ऊपर जिस कोंकण के नीचे होने तक कनार आ गया है ना, और देखो इधर केरला, अगला कौन सा जाएगा, बहुत फेमस है मालाबार तट, कौन सा तट, मालाबार तट, मालाबार तट पता है प्राचीन समय में हमारे यहाँ ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा हब हुआ करता था, और मालाबार तट आज भी मसाला एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता, बोलेगा मसाला एक्सपोर्ट के लिए कौन सा तट फेमस है, ऐसे करके तो मालाबार तट, अरे वो केरला से ना पूरे मसाला जो है ना, जो हमारे स्पाइसेस है पूरा यहाँ से सेल होता है, मतलब बेचा जाता है, तो याद रखिएगा यहीं पर आपका पड़ेगा मालाबार तट, यही तो कोचीन है जी, कोचीन, ठीक है, राजा जमुरीन के दरबार में आया था ना,
ठीक है, वही तो है, देख यही कोच्चि पड़ेगा। कहाँ पर, किस तट पे है? मालाबार तट। कौन सा तट? देखो ऐसे याद रखना, ठीक है। राजा जमहूरीन के दरबार में आया था कौन? वास्कोडी गाम आया था, कौन आया था? वास्कोडी आया था, है ना। तो उसको माला पहनाए थे, ठीक, माला पहनाया था। तो कहाँ से कौन सा तट आ जाएगा? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार। हाँ तो आया था, तभी तो हम लोग गुलाम बने यार, ठीक है। मसाला बेचने के लिए, मसाला खरीद के ले गया, ठीक है। तो याद रखिएगा मालाबार तट, यहाँ से कौन सा 1498 में आया था ना, मालाबार तट बनेगा। कहाँ पर है? केरला। अब इधर का बता दोगे? लो बताओ, तो बताओ कौन बताएगा, बताओ इधर कौन सा, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? हाँ ये वाला ठीक है। इसके बाद ये वाला महाराष्ट्र वाला कोंकण, ठीक है। गोवा में, हाँ उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक से, कौन से कर्नाटक, कौन से KGF, कौन से कनार, कौन से कनार, कनार है ना। उसके बाद है ना राजा जमहूरीन मालाबार बन जाएगा, बहुत आसान था, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद देखो नीचे इधर आओ, ठीक है। देखो यहाँ पर दो तीन चीज़ें, पहले मैं तट बता देता हूँ। इसका नाम है आपका कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? याद रखना ना, कोरोमंडल तट, मंडल तट। ये जो कोरोमंडल तट है ना, ठीक है, कोरोमंडल तट ये फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ ना ठंडियों में वर्षा होती। जब मैं अभी वर्षा क्लाइमेट बताऊंगा ना, तो बोलेगा कि कोई भी पूछा है कि किस तट पे वर्षा ठंडियों में होती है, जैसे ये वाला आपका मालाबार तट है, तो अभी तो वर्षा हो रही, झमाझम बारिश होती है, वेस्टर्न घाट है। तो कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु है ना, चेन्नई वाला। तो ठंडियों में जब लौटता है ना मानसून वगैरह, तो उसमें अलग सिस्टम है। तो कोरोमंडल तट में यहाँ पर वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट में ठंडियों वर्षा होती है, याद रखिए, इसलिए कोरोमंडल याद है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु देखो यहाँ पर पहुँचे गए, तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक। देखो यहीं पर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पाक की खाड़ी, इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। जैसे खाड़ी बता रहे थे ना, इसका नाम है क्या है? पाक की खाड़ी, ठीक है। और पता है ये एक्चुअली मैप को जूम करके देखना, अभी गूगल रखे हो ना, कोई उतना जरूरी नहीं है कि आप पूरा उसको देखो, गूगल में ना जूम करके देखना। यहीं पर, यहाँ पर ना ऐसे 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 निकल के यहाँ पर जाओगे ना, ठीक है, तो ये एक आइलैंड पड़ता है, उसी आइलैंड का नाम है आपका पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। हमारे APJ अब्दुल कलाम बेचारे यहीं रहते थे, ठीक है, मंदिर सामने था उन, पंबन द्वीप है, सिंगल ट्रेन जाता है, ठीक है। पंबन द्वीप देखे होगा कई बार, जो रामेश्वरम सुने हो, रामेश्वरम, तो रामेश्वरम वो द्वीप पे है, द्वीप पे, ये जो द्वीप है ना आइलैंड, जो इसका नाम क्या है? पंबन द्वीप, ठीक है। और यहाँ से ना, अब तो लिख दिया हूँ, यहाँ पर श्रीलंका है नीचे, तो यहाँ पर एक आपका एक, अभी इधर खाड़ी लिख दिया हूँ इसलिए नहीं हटा नहीं रहा हूँ, एक ऐसे करके आपका क्या बनेगा, पुल, पुल हम ना पुल बोलते हैं ना जी, जो राम सेतु बनाए थे ना, उसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज। क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज। तो याद रखिएगा, ये एडम्स ने खोजा था, इसलिए एडम्स ब्रिज बोलते हैं। तीन चीज़ें हैं आपका, पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू नाम है। बोलेगा पाक जल डमरू किसके किसके मध्य है, ऐसे करके पूछ लेगा, तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। ये कोरोमंडल तट जो है ना, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। पर्यावरण पढ़ना, पूछना सर से कि सर ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक है, बोलेंगे एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो समुद्र में है, ठीक है। यहाँ पर जो क्षेत्र है ना, देखो ये वाला आप एरिया जो देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। मरीन मतलब समुद्र का एकमात्र, समुद्र में स्थित एकमात्र 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जानते हो ना। हमारे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। इस 18 में से एक मात्र एक समुद्र में है, उसी का नाम क्या है? कोरोमंडल, या कोरोमंडल तट में है, ठीक है। इसी का, इसी में पर मिलेगा आपको कोरल रीफ, ठीक है। और यही तीन चीज़ें मिलेगा, पाक की खाड़ी या पाक जलडमरू, श्रीलंका और भारत के बीचों बीच, ठीक है। आपका पंबन द्वीप, पंबन द्वीप समझ लीजिए रामेश्वरम, ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे, रामेश्वरम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रामेश्वरम, ठीक है। ये कभी देखो, ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ घूमने का भी चीज़ है, ठीक है। आप जा जाके वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, जा कभी तो जाओगे ना जी, है ना, कभी सही साथ नौकरी लगा तो नहीं जाओगे यार रामेश्वर, बताओ, जीवन में तो एक बार जाओगे ना, तो वो याद करोगे कि उस रामेश्वरम को क्या बोलते थे? पंबन द्वीप।
और वो जो आप सेतु देखो ना, राम सेतु, जिसके बहुत चर्चा होती है, राम सेतु राम सेतु, तो राम सेतु को एडम्स ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सैटेलाइट से भी दिखता है वो, ठीक है, तो एडम्स ब्रिज क्या बोलेंगे, तो एडम्स ब्रिज। ओके, तो याद रखिएगा ये तीन चीजें आपको याद रखनी, पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप और एडम्स ब्रिज, ये सब आस्ते पड़ेंगे। और ये वाला जब तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। क्या कहलाएगा? बनेगा, आगे बढ़े। ठंडी में वर्षा कुछ किस तट में होती है? तो कोरोमंडल तट। बहुत एक क्वेश्चन ऐसे ही बना डालो। ओके चलो, जी 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 हाँ, यही वाला है, यही वाला, ठीक है। पाक जल संधि, पाक जल डमरू, इसे जल डमरू मतलब संधि ही हो गया, किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। ओके, इसमें संधि में ये है, बता दे रहे हैं, देखो, क्योंकि देखो अभी समुद्र बताऊंगा जो दूरी वूरी होता है ना, तो नॉटिकल मील वगैरह, तो क्या है, श्रीलंका का क्षेत्र कहाँ है कि आपका भारत का क्षेत्र कहाँ है, लड़ाई हो सकता है, तो उन लोग के मछुआरों को दिक्कत होती है, अभी बहुत मछुआरे हैं जो तेलुगु वाला है, ठीक है, ये वाला आते हैं ना, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखते हैं, समझौता करते हैं कि अगर होगा तो हम लोग वापस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। देखना कभी होता है ना, तो इस पाकिस्तान में पकड़ाते हैं, धरा जाते हैं, ठीक है, उन लोग को फिर जाने नहीं देते। अरे यहाँ पर पाकिस्तान है ना, पता है ना, ये पाकिस्तान है, यहाँ से ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है पाकिस्तान है, तो हमारे लोग जाते हैं इधर से ना, इधर जिले तो बहुत सारे, आपको पता है जो मुंबई हमला हुआ था, पाकिस्तान से इसी रास्ते से आए थे मुंबई ऐसे, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा ना, ये वाला सेक्शन, इधर पाकिस्तान वाले भी बहुत मछुआरे आते रहते, हम लोग भी पकड़ते हैं, उन लोग भी पकड़ते रहते हैं, ठीक है। अरे समुद्र में नहीं पता चलता ना कहाँ पर है, तो वो आप थोड़ा कम से कम एग्जैक्ट अप्रॉक्स तो पता करो, ये ठीक है। तो ये कोरोमंडल, कोरोमंडल के बाद फिर अब इसे तमिलनाडु के ऊपर कौन सा राज्य था, वो नहीं बनेगा तो फिर बनेगा नहीं, तमिलनाडु के इधर इस साइड जी, कौन सा, आंध्र प्रदेश, पक्का आंध्र प्रदेश में तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, या फिर इसको बोलते हैं रॉयल सीमा, क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा, रॉयल सीमा तट, ठीक है, कौन सा तट, उत्तरी सरकार तट या रॉयल सीमा, किसको बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश वाले को रॉयल सीमा या उत्तरी सरकार बोलते हैं, ठीक है, रॉयल सीमा तट या उत्तरी सरकार बन जाएगा। आंध्र प्रदेश ऊपर बढ़ोगे तो कौन सा तट, कौन सा आ जाएगा राज्य, उड़ीसा, उत्कल तट, कौन सा तट, सुने हो क्या उत्कल, उत्कल तट, उत्कल पहले बोलते थे ना जी उड़ीसा को, उत्कल बोलते थे, अशोक था राजा, ठीक है, तो उत्कल तट, ठीक है, वहीं कारुवारी थी ऐश्वर्या राय, ठीक है, पिक्चर भी नहीं देखते ठीक से, वही बस काठियावाड़ देखते रहो, ठीक है, उत्कल तट, कौन सा तट है ना, काठियावाड़ याद रहे, कारुवारी याद नहीं रहता है, याद है, तो कौन थी कारुवारी, उसके लड़का के दो ठो नाम बताओ, तो दो ठो लड़का थे उसके, ठीक है, कैसे नहीं याद है, अशोक, अशोक से शादी किया ना उससे, तो वही पूछ रहा लड़का का नाम क्या बताओ, उसकी नीति क्या बोलते थे, अशोक की नीति को, हाँ क्या क्या चीज़, कौन सा अपनाया था वो, क्या होता था धम, हाँ वही पूछ रहा, हाँ हाँ क्या था धम, मतलब नियम बनाया था कि जो भी बौद्ध लोग हैं उनके कैसे रहने के, हाँ मतलब वो पहले बौद्ध बना चुका था उसको आगे किया, सो कुछ भी पढ़ा, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। उत्कल तट जो है, उत्कल तट कहाँ पर मिलेगा आपका, उड़ीसा में, ठीक है, यहीं पर आपका बहुत कछुआ, बता, समुद्री कछुआ मिलता है, ठीक है, तो ओलिव ओलिव ओलिविलियर कछुआ बोलते हैं, आपका मतलब बहुत आपका तट वो ना, मतलब यहीं ब्रीडिंग करने आती है, बरसात का मौसम है ना तो ब्रीडिंग करने यहीं आते हैं, बहुत फेमस है, नेशनल पार्क में भी है वो सब, थोड़ा नेशनल आपका देख रहा ना वो नेट जियो वगैरह देखे होगा ना, ज्योग्राफी चैनल, हाँ भीतर कड़ी का, अरे यहीं पर चिल्का झील भी मिलेगा, ठीक है, तो बहुत सारे ये सब जानोगे तब तो जी, उत्कल तट भी, ठीक है, चिल्का झील वगैरह, ठीक है, उसका देखो इधर, उसका कौन सा जाएगा, एक और लास्ट तट, कौन सा बजा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को बोलते हैं दीघा सीमा, क्या बोलते हैं, दीघा सीमा, लास्ट क्या बोलेंगे, तो दीघा सीमा, ओके, तो इतने तट आपको याद रखने, दीघा सीमा बोलते हैं किसको बोलते हैं, ठीक, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला दीघा सीमा, तो इतने तट हैं इधर, एक बार रिकॉल कर देते हैं, देखो फिर से पश्चिम बंगाल का कौन सा, देखो बॉर्डर भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला कौन सा हो जाएगा, दीघा सीमा, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा वाला उत्कल, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश रॉयल सीमा या उत्तरी सरकार तट, आपका तमिलनाडु कोरोमंडल,
ठीक है, यहीं पर अगर पढ़ रहे हैं तो पाक की खाड़ी, आपका एडम्स ब्रिज और पंबनदीप, ठीक है, उसका इधर आपका केरला पहुंचे तो क्या आ जाएगा, तो मालाबार तट, कर्नाटक में कनार तट, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, और गुजरात में पोरबंदर, काठियावाड़ और गुहिरवाल तट, ठीक है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी बन जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी में से एक चीज़ सामने निकल के आती है, मैं हटा दूँ ना, एक चीज़ सामने निकल के आती है कि हमारे पास राज्य कितने हैं, कितने राज्य हैं, तो दो प्रश्न यहीं से बनते हैं, हमारे ऐसे राज्य बताइए जो समुद्री सीमा बनाते हो, और ऐसे राज्य बताइए जो लैंडलॉक हो, ठीक है, जो कोई सीमा ना बनाते हो, ठीक, किसी के साथ सीमा ना बनाते हो, 28 है ना, तो सब बस दो ही आएगा, कहाँ बोला दो, मैं कहाँ बोला हूँ, ठीक गिन लेना, ठीक देखो मैं कहाँ बोला, झूठ झूठ बोलते मेरे फंसा रहे, बोला हूँ जी दो, बोला हूँ मैं, है ना, देखो बोला पता, आप दो बोले तो दो बता दिए, वो नहीं पूछ रहा हूँ जी मैं, अभी याद आ गया, और एक राहुल नाम भी था, ठीक है, हाँ राहुल नाम भी था, हाँ साय नहीं थी, ठीक है थी, दो साधु किया था ना दो, ठीक, एक को श्रीलंका भेजा था और एक को और कहीं भेजा था, देखो सुनो छोड़ो घर अभी हिस्ट्री पढ़ने लगे, देखो इधर देखो हमारे कितने राज्य ना समुद्री सीमा को टच करते हैं, ठीक है, तो कितने राज्य हैं, तो सबसे पहले देखो एक कौन सा हो जाएगा, गुजरात, कौन सा हो जाएगा, जीव समझ आता है ना गुजरात, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, गोवा, उसके कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक, फिर कौन सा हो जाएगा, केरला, है ना, केरला स्टोरी, केरला, ठीक है, उसके इधर कौन सा हो जाएगा, तो तमिलनाडु, फिर इधर आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, और इधर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, गिलो कितना हो गया, कितना हो गया जी, है ना, कितने हो गए, नौ, तो एक प्रश्न यहीं से बना, देखो रटना नहीं है, ठीक है, सिंपल सा, आप एक बार आँख बंद करके वो मैप घुमाओगे ना बन जाना है, ठीक है, हमारे नौ राज्य जो हैं वो समुद्री सीमा को टच करते हैं, कितने राज्य, नौ राज्य, ठीक है, तो नौ राज्य टच करते हैं, यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक सीमा किससे लगती हो, तो आपके समुद्र से लगती है, बन सकता है प्रश्न, बनता भी है, तो सबसे देखो आप एक बार देखो यहाँ से चालू होता है पूरा ऐसे घूम के पूरा लगता है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात का जो बॉर्डर है, ठीक है, गुजरात सर्वाधिक सीमा जो है गुजरात की किससे लगती है, तो समुद्र से लगती है, पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर याद रखना आंध्र प्रदेश, कौन सा है, आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, कौन सा हो जाएगा, चौथे पे हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक, गुजरात आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, ठीक, गुजरात आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और तमिलनाडु बनेगा, आप फर्स्ट सेकंड को याद रखना, ठीक है, गुजरात और आंध्र प्रदेश, सबसे कम गोवा की लगती है ना, सबसे कम किसकी सीमा लगती है, तो गोवा कम, सबसे कम याद रखना, और सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, यही बस याद रखें, ठीक है, तो आप ऐसे बन जाएगा, ओके, तो नौ राज्यों की सीमाएं पहली बात तो टच करती हैं, दूसरा और क्या याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, तो गुजरात की, दूसरी किसकी लगेगी, तो आंध्र प्रदेश, कम से कम दो याद रहे अभी के लिए, उसके बाद आपका सबसे कम किसकी लगेगी, तो गोवा, ठीक है, अब सबसे भीड़ वहीं रहता है गोवा में, है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा याद रख, बन जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा समुद्री सीमा, समुद्री सीमा से समुद्री तट हो गया ना, और समुद्री सीमा देखिए कि हमारा जो है ये जो समुद्र है क्या इस पर हमारा अधिकार है क्या, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, ठीक, इसके लिए ना 1982 में क्या हुआ था कि एक पूरे विश्व लोगों विश्व ने समझौता किया था, पूरे विश्व ने क्या किया था, समझौता किया था, और तीन क्षेत्र बनाए थे, कितने क्षेत्र,
ठीक है, पहले आप आधार रेखा समझें, क्या रखें, आधार रेखा, बेस लाइन, ठीक है। उसके बाद संलग्न, सुनिए, ये सब ना बहुत कम सुनने को मिलता है क्योंकि फिर कहीं टच नहीं होता ना। देखो इसको बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका कंटीजीनियस जोन, और इसको बोलते हैं टेरिटोरियल, क्या हो गया, ठीक है, टेरिटोरियल जोन या क्षेत्र। देखिए किसी भी समुद्री सीमा को निर्धारित करने के लिए तीन क्षेत्र बने हुए हैं, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तीन क्षेत्र को देखो, पहले समझिए बेस लाइन क्या होता है, आधार रेखा क्या होती है, ठीक है, एक नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी। आधार रेखा देखो क्या होती है, जैसे ये तट है ना, ऐसे भारत नहीं होता, मतलब ऐसे कोई वो नहीं होता, जैसे मान लो ये वाला क्षेत्र बना रहा हूँ ना, तो ये बना रहा हूँ तो कहीं ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे थोड़े होगा जी। जैसे यहाँ पर पता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना आपका, मुंबई ऐसे एक लैंड पे है, ठीक है, मुंबई जो है ना एक आइलैंड पे छोटा कटा हुआ है वो, तो इस तरह से रहता है कि नहीं रहता, रहता है, एग्जैक्ट तो होगा नहीं ये उतार चढ़ाव, तो एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं जो सबको बराबर कर दे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दे, ठीक है, खींचिए कि नहीं खींचिए, खींचा गया, तो एक ऐसी रेखा जो सभी को क्या कर दे, सभी के लिए बराबर का काम करे, मतलब सबके लिए बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं आधार रेखा बोलते हैं। वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी, उतार चढ़ाव है, देखो यहाँ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है, तो हमने एक लाइन खींच दी। देखो जो समुद्री जल है अंदर तक आता है, तो कहीं ज़्यादा अंदर आ जाता है, कहीं बाहर कम अंदर आता है, तो हमने क्या कर दिया, समुद्री जल को लेते हुए एक लाइन खींच दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आधार रेखा, क्या बोलते हैं, बेस लाइन या आधार रेखा। अब काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब समझौता में ये हुआ कि अगर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, कितना नॉटिकल मील, 12, समुद्र में अगर गणना करेंगे तो नॉटिकल मील में करते हैं, किसमें करते हैं, NM, नॉटिकल मील, ठीक है, किसमें करेंगे, तो कई चीज़ें फैक्चुअल है ना, याद रखना है, नॉटिकल मील, मैं लिख दे रहा हूँ, नॉटिकल हो गया, नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है, पता है किसी को, 1.852, मतलब 1.8 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर होता है, समझ लो 1.25 किलोमीटर के आसपास होता है नॉटिकल मील, क्लियर है, बनेगा, याद रखिएगा सब डेटा, नॉटिकल मील। जैसे गहराई को किसमें नापते हैं, थेडोमीटर से नापते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं समुद्र की गहराई, ठीक है, सोनार से भी नापते हैं, ये सब कुछ चीज़ें जो चीज़ें हैं ना बेसिक उसको थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, पहले बात याद रखें, पहले दूरी बता रहा हूँ, दूरी जो है, ठीक है, किसमें नापते हैं, तो समुद्र में नॉटिकल में, गहराई को फेदोमीटर से नापते हैं, किसमें नापते हैं, फेदोमीटर, सुने हो ना, फेदोमीटर, और सोनार से भी नापते हैं, क्या से नापते हैं, सोनार सिस्टम, अभी पता है एक गया था ना वो टाइटेनिक का मलबा देखने, अपने ही मलबा बन गए उन लोग, ठीक है, नहीं तो वही सोनार सिस्टम से खोज रहे थे, ठीक है, तो सोनार बहुत काम आता है, सोनार पता है क्या होता है, सोनार मतलब सोना होना मत समझ लेना, सोनार मतलब साउंड का रिफ्लेक्शन है ना, साउंड ध्वनि पढ़ते हो साइंस में, सोनार सिस्टम को, हाँ हाओ अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक, ठीक है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हमको सुनाई देता है, ठीक, उसको नहीं, तो जो सोनार है ना, साउंड का बहुत है, सोनार का भी बहुत है, जो महंगे हमारे जो ब्लेजर्स होते हैं ना कोट, उसको सफाई करने में, घड़ियों का साफ करने में, उसमें होता है, बहुत महंगे जो कोट होते हैं ना, जो आपका एक एक दो दो पाँच पाँच लाख के होते हैं, उसमें ना सोनार सिस्टम साफ करते हैं, घड़ियाँ जो महंगी होती है, देखिए करोड़ों की घड़ी आती हैं, तो कैसे उसको बरस में थोड़े घसरेंगे, ठीक है, सोनार से साफ करते हैं, ठीक है, तो सोनार सिस्टम बहुत काम आता है। ध्वनि का क्या होता है, बहुत तेज प्रवाह होता है, उसमें क्या होता है, देखो ध्वनि पता है, तीन दो, ये भी जान लो थोड़ा सा, है साइंस भी चल दे रहा है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड, ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है, तो अब स्पीड पता है ना, तो जाने की और आने की, देखो तो मान लो कुछ यहाँ पर रखा हुआ है चीज़, देखो बहुत इजी सिस्टम है, यहाँ पर सोनार सिस्टम छोड़े हमने,
इसको इससे टकराया और टकरा कर वापस आया सर, तो हमको पता है ना जाने की स्पीड, तो वहां से जाने के और उससे टकरा के वापस आने में कैलकुलेट कर लेंगे डबल करके, ठीक है, तो उसकी गहराई नहीं पता चल जाएगी, तो बहुत आसानी से पता चल जाता है सोनार सिस्टम से, ठीक है। तो गहराई वगैरह नापते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं कौन कहाँ पर है, रिफ्लेक्ट करके आता है ना, तो दूरी पता चल जाती है, ठीक है। तो सोनार सिस्टम इस तरह फेदोमीटर से समुद्र में नापते हैं। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था नॉटिकल मील, दूरी को किस में नापते हैं, तो नॉटिकल मील, ठीक है, देखते हो गए जो नौ जो नौका वह नौ नेवी वगैरह यूज़ करते हैं, किलोमीटर नहीं बोलते वो लोग, क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील, नॉटिकल, वन नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर या 1.852 किलोमीटर एग्जैक्ट, ठीक है, बनेगा। अब मैं क्या बोल रहा था, बेस लाइन को पकड़ेंगे और बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको प्रादेशिक क्षेत्र या टेरिटोरियल जोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, तो ये कितने होगा, तो 1 से लेकर 12 नॉटिकल, अच्छा बेस लाइन से ना, आधार रेखा से, रेखा से कितना, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र में भारत जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है, जो चाहे वो जाओ नहाओ, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है, नाव चलाओ, ठीक है, मछली मारो, जो करना है करो, ठीक है, सरकार वो आपका घर, अब समझे जैसे ये वाला लैंड है ना वैसे वाला लैंड, क्लियर है, टेरिटोरियल के बाद कौन सा हो जाएगा, टेरिटोरियल से प्रादेशिक क्षेत्र, थोड़ा दिखा दे, देखो ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो ना, यहीं पर हमने पाक जल समझी किया ना, इसीलिए तो किया है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है, अरे तो इधर तो बांग्लादेश चपका है, इधर नहीं है, इधर ही बस, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ये वाला, तो ये उस क्षेत्र में जैसे गोवा जाते हैं बीच में नहाने, तो समुद्र में थोड़ा अंदर तक चले जाते हैं, तो कोई कुछ बोले आता है क्या, बस डूबो मत, ठीक है, तो देखते हो ना, तो वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि हमको टेरिटोरियल सी है ना, वो हमारा घर जैसा, हमारा जैसे लैंड है ना यहाँ पर, वैसा लैंड है, क्लियर है, कितने नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल बन जाएगा। अच्छा उसके बाद संलग्न क्षेत्र कंटिजिनियस जोन, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील, बेस लाइन से कितना हो जाएगा 24, यानी मोटा मोटी देखा जाए तो बेस लाइन से 12 प्रादेशिक हो गया, और बोल प्रादेशिक से 12 है ना, दोनों तरह से पूछ सकता है, तो याद रखिएगा संलग्न क्षेत्र कितना, बेस लाइन से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील बनेगा। थोड़ा सा और डूब जाओगे, मगर देखो यहाँ पर थोड़ी सी अधिकार आपके सीमित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, इसमें जैसे जैसे इसमें अधिकार थे कुछ भी करो, इसमें थोड़े अधिकार क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, ओके कम हो जाते हैं, फिर भी वो आपका ही क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, ये भारत का ही अंदर आएगा, क्लियर, ये हमारा नहीं है, कहीं भी किसी भी समुद्री सीमा को अगर कोई देश टच करता हुआ ना उसके साथ ये नियम लागू होता है, क्लियर है। और लास्ट आता है कौन सा, आर्थिक अनन्य क्षेत्र, कौन सा, आर्थिक अनन्य क्षेत्र, ठीक है, बेस लाइन से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया जी, 176, गलती हो गया सॉरी, आधार रेखा बोल दिया क्या, संलग्न क्षेत्र से 200, ठीक है, संलग्न क्षेत्र से कितना 200, ठीक है, संलग्न क्षेत्र से 200, तो नॉटिकल मील कितना है, एग्जैक्ट अगर नॉटिकल मील देखोगे तो कितना हो जाएगा 176। अरे सुनो तो पहले लिख लेना ना, पहले देखो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखो ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना ये टोटल कितना होता है संलग्न क्षेत्र से 200, तो मोटा मोटी आधार रेखा से अगर गिरेंगे तो 24 था ये, तो हटा देंगे तो कितना आएगा, एग्जैक्ट कितना आएगा 176, अगर बेस लाइन से काउंट करोगे तो 176 और संलग्न क्षेत्र से काउंट करोगे तो 200 है ना, 200। तो याद रखिएगा आर्थिक अनन्य क्षेत्र जो होता है इसमें बहुत कम सीमा होती है, इसमें आप क्या कर सकते हो, नेचुरल गैस वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हो, यहाँ रहे वो घूम नहीं सकते, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ एक से सुनो ना, यहाँ पर ना एक पर एक जगह है यहाँ पर मुंबई हाई, ठीक है, बॉम्बे हाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉम्बे हाई, सुन लो, बॉम्बे हाई में हमारे यहाँ पेट्रोलियम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, भारत का बहुत सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम जो निकाला जाता है कहाँ से निकाला जाता है, ऑफशोर क्षेत्र, ये ऑफशोर क्षेत्र में से बॉम्बे हाई, ऑफशोर जानते हैं क्या बोलते हैं, ऑफशोर क्षेत्र मतलब समुद्री क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, ये सब सुने रहो, ऑफशोर क्या बोलते हैं, ऑफशोर, ऑफशोर जहाँ पर शोर नहीं होता है समुद्र में, यहाँ तक कचका कचका चलेगा गाड़ी मोटर है ना स्कूटी नहीं चलेगा जी,
और ऑफ और सोर ऐसे याद रखना, सोर नहीं होगा समुद्र कहाँ सोर, एकदम सन्नाटा, ठीक है कि नहीं, ऐसे नहीं याद रहेगा। तो ऑफ सोर क्षेत्र बोलते हैं, समुद्री क्षेत्र क्या बोलेंगे, ऑफ सोर, जहाँ पर खनिज मिलता है। तो ऑफ सोर क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है कहाँ, सब बॉम्बे हाई, क्या नाम है, ये हमारे असल आर्थिक अनन्य क्षेत्र में आता है, किसमें आता है, इतना दूर है, सोचो इतने में हमारा भारत खत्म, इतने भारत खत्म, उसके बाद का क्षेत्र ये वाला हाँ भारत का है, नहीं, इंटरनेशनल सी है, कौन सा सी है, सभी देशों का समान अधिकार है यहाँ पर सभी। देखो बताता हूँ अभी हुआ क्या, ठीक, यहाँ पर अगर चाइना अपना सिप लगा दे, ठीक है, और हमको तकते रहे, घूरते रहे, कुछ नहीं कर सकते, ओके, कुछ नहीं कर सकते, हुआ भी यहीं पर, क्या करता है, यहाँ पर लाता है, बिहार बंगाल में यहाँ पर टिका देता है, हम लोग जो कुछ लॉन्च करने वाले रहते हैं यहाँ से लॉन्च करते हैं ना, श्रीहरिकोटा से, अभी तो बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा करेंट अफेयर्स भी देखिए, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बोलते, थोड़ा बहुत हमारा एक यहाँ पर ना मिसाइल लॉन्च होने वाला रहता है, ठीक है, बहुत सारे मिसाइल लॉन्च होते हैं, तो जब भी लॉन्च होने को रहता है तो आता है यहाँ पर टिका देता है एक, ठीक, ऑब्जर्व करते रहता है कि कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पता चले किसी दिन ना इसका टारगेट सेट करते इधर ही नहीं, जब हम यहाँ पर सुनो बता रहा हूँ, जब हम लोग इसको प्रक्षेपण करने वाले रहते ना, तो हम लोग एक इंटरनेशनल, हम लोग एक वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एक सूचना कि ये इस, ये देखो समझना ना, जैसे ये वाला लैंड है हमारा भारत, ठीक है, मान लो यहाँ पर करना है, तो इसके ऊपर ये वाला हुआ ना आकाश, ठीक है, तो ये इस आकाश, इस इसको इसको बोलते हैं फ्लाइंग जोन, इस फ्लाइंग जोन में कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ठीक है, ओके, क्योंकि कब कब मार दे खट से निकल जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा, देखो अच्छा भारत ऊपर का भी बता दें, जितना हमारा भारत का क्षेत्र है इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो फ्लाइंग जोन कहलाता है, उस उसी देश के अंदर आएगा, किस देश के अंदर है, उसमें वो सब नहीं होता है टेरिटोरियल फेरिटोरियल, जैसे ये भारत है ना, इसके ऊपर जितना आकाश है वो सब किसका है, भारत का, ठीक है, तो कभी कभी क्या हुआ था, अभी लड़ाई जैसे होता है ना, तो हम लोग को देखिए यहाँ पर यूरोप जाना है तो हमारी दिल्ली से फ्लाइट उठती है पाकिस्तान होते हुए, और कहाँ जाती है, तो पाकिस्तान ने क्या किया था, अपने फ्लाइंग जोन जो है बंद कर दिया था, अपने जो वो है ना अपने देश, तो हम लोग घूम घूम के जाते थे ऐसे ऐसे, इधर से तो जा ही नहीं सकते, हिमालय है कि नहीं, इधर से हम लोग ऐसे घूम घूम के जाते, पहले दुबई जाए फिर इधर जाए ऐसे करके, तो जो देश है उसके ऊपर का जो आकाश है वो उसी का है, क्लियर है, तो कुछ चीज़ें समझिए, समुद्री सीमा इस तरह से निर्धारित की जाती है, अंतर सीमा तो आप जान ही जाएंगे, अभी अंतर सीमा पे आने वाला हूँ, देश देश क्या क्या है, पहले इसमें कोई समझते हैं तो बताओ, तीन क्षेत्र होते हैं, पहला प्रादेशिक क्षेत्र, उसके बाद संलग्न क्षेत्र और आर्थिक अनन्य क्षेत्र, ठीक है, ठीक, देखो अच्छा हाँ एक चीज, कई बुक्स में कई अलग अलग डेटा मिलते हैं, एक बार गूगल करना और कर लेना, मैंने एनसीईआरटी से निकाला ये सब सही डेटा है, कई बुक में मैंने डिफरेंस देखा है, ठीक है, जिस संस्थान की बुक है उसमें भी मिस प्रिंट है, तो एक बार इसको आपको वेरीफाई करना है तो कर लेना, क्योंकि कई बुक में अलग मिलेगा सर, बट नहीं ऐसे ही है, ठीक है, वेरीफाई करके लाए, प्रादेशिक क्षेत्र 12 नॉटिकल मील बेस लाइन से, ठीक है, संलग्न क्षेत्र बेस लाइन से 24, और ये असलग्न क्षेत्र से कितना 200, और एक्चुअल में कितना है 176, बेसलाइन से करोगे तो 176, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका 200 नॉटिकल मिल बन जाएगा, और ऊपर की सीमा अगर देखा जाए आकाश क्या होता है, जो स्काई होता है, तो स्काई देश है उसके ऊपर की सीमा जो है स्काई की उसी के अंदर आती है, बन जाएगा, ठीक, तो ये हमको याद रखना था समुद्र के बारे में, ये तट हो गए हमारे, ठीक है, उसके अलावा और क्या हो जाएगा हमारा, ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, समुद्री सीमा यहाँ पर समाप्त होती है, सबसे बड़ा तट किसके साथ लगता है, तो गुजरात के साथ, ठीक है, आगे बढ़े, अच्छा नेक्स्ट देखो, तो ठीक अब देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या, है ना, इसको भी समाप्त कर देते हैं आज, क्या हुआ, कोई समस्या है के, हाँ क्या नहीं समझ आया, तो फिर चश्मा तो लगाए थे ना, पहली बार लगाई, अच्छा बंद कर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए आँख खराब होने से ज्यादा अच्छा है, नहीं ऊपर वाला बंद मत करो, मेरा चमकेगा नहीं मेरा फेस नहीं मतलब ये बोर्ड नहीं आएगा, इसको बंद कर, ठीक 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 है, अभी पिक्चर अच्छा दिखना चाहिए ना, लाइटिंग वगैरह से खराब हो जा रहा है, देखो
कोई नहीं, ठीक है। देखो हमारा तो हाइच है, उसमें क्या है तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर, देखो इधर, अब देखे छे, अब तो हमने समुद्र देख लिया ना पूरा, समुद्र में कौन कौन सा तटकल पूछ लेंगे, याद रखना ठीक है। और थोड़ा सा ना मान लीजिए समय में रहता, जैसे गेप पर रहता है, खाली उली रहता है 5-10 मिनट, तो चर्चा वर्चा करके थोड़ा डिस्कस करके पढ़ा कीजिए। जैसे रहते हो ना लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो चर्चा वर्चा करो, और गई ना मोहतरमा उनसे पूछना, ठीक है, मतलब बनना चाहिए ना, ठीक है। तो मतलब पूछता रहना, चर्चा वर्चा करते रहना थोड़ा सा, मतलब आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ये कह रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं ना, ना केवल यही वाला एग्जाम जान रहे हो, महिला वाला अभी ये भी आया, तो उसमें भी आप ये सब भी उसमें भी तो है ना, ठीक है। आप लोग के लिए नहीं, मगर फिर भी आपके लिए भी तो बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे ही ना, क्लियर है। चलो देखो आगे, देखें अब, चलो तो देखो इधर इधर अब देखते हैं। देखो एक बार देखो ना, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान आता है, भारत आता है, अफगानिस्तान, ठीक है, इधर आपका चाइना, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये लोग भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप पे आते हैं, क्लियर है। इसमें सबसे पहले देखो बॉर्डर के, बॉर्डर सबसे ज़्यादा किसके साथ लग रहा था, बांग्लादेश के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ तक चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर है सर क्रिक, देखो ये जो कच्छ करण है ना, ये वाला कच्छ करण पाकिस्तान यहीं से तो है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सर क्रिक रेखा। कौन सी रेखा? सर क्रिक बाउंड्री बता रहा हूँ ना हमारा, अब कहाँ से चालू हो रहा है ये सब, अब ठीक है, सीमा रेखा। तो सर क्रिक रेखा कौन सी रेखा है, किसके किसके बीच लग रहा है, तो पाकिस्तान और हमारा कौन सा है कच्छ, किसके बीच लग रहा है कच्छ, कच्छ मतलब गुजरात, ठीक है, गुजरात का कच्छ है ना वो वाला और हमारा, ठीक है। सर क्रिक रेखा याद रखना, सर क्रिक रेखा कहाँ लगती है, तो उधर नहीं लगेगी, किधर लगेगी, गुजरात में कच्छ वाला क्षेत्र, कच्छ वाला, और हमारा उधर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान इसको नहीं मानता, बोलता ना हम ना मानेंगे, ठीक है, कच्छ हमारा है, कच्छ समझते हो ना, कच्छ करण सुने तो हो गए, कच्छ करण, तो कच्छ करण जो है उसको हम क्लेम करता है, वो हमारा ऐसे कर, ठीक है, कच्छ करण को क्लेम करता है ना ये, याद रखेगा, इसको मानता ही नहीं, बोलता ना हम ना मानेंगे, हम तो ना मानेंगे तो मत मानो, ठीक, खड़े हैं आगे बताओ, है कि नहीं, तो ऐसा वाला सिस्टम है हमारा, मतलब यहाँ पर ना इस फोरम में ना, अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मामला उठाता है कि देखो ये लोग हड़क के बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं, रोते रहता है ऐसे, ठीक है, मगर है तो है, हमारा एरिया है कच्छ करण, याद रहेगा गुजरात वाला, उसके ऊपर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, कौन सा जाएगा जी, राजस्थान में 24 डिग्री उत्तरेक्षांश, ठीक है, पूरा बॉर्डर बता रहे ना, एक ठोमास बात याद रख लेना, ठीक है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, किसे, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत, और हमारा कौन सा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के साथ। सर क्रिक रेखा के बाद कौन सा जाएगा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप बोलोगे सर ये क्या है, उत्तर है ना, उत्तरी अक्षांश, जैसे अभी अक्षांश, ये हमारा अक्षांश है ना, 1, 2, 3, तो हमारा भारत कहाँ से चालू होता है, पढ़ाना था एक्चुअली में, 8 है ना, 8, 8 से चालू होता है, कहाँ तक जाएगा, तो 37 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 37 है ना, 8, 4 से 37, 6, तो इसके बाद नीचे आओगे तो 24 नहीं पड़ेगा जी, है ना, 23.5, तो 24 जो है ना यहाँ पर पड़ता है, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, हम लोग क्या बनाते हैं, इसका बॉर्डर बनाते हैं, इसको भी नहीं मानता है, इसको भी स्वीकार नहीं करता है, तो दो बॉर्डर, एक ठो हम लोग याद करते हैं, LOC याद करेंगे, और एक ठो का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खींचा गया था, मैक मोहन, तो चाइना के साथ है जी, आपका नाम क्या, अरे रेड क्लिफ, हाँ रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ, ठीक है, तो उसको वो वाला है, बट इसके अलावा भी ये सब भी है ना, ठीक है, इसको तो इस, ये इंपॉर्टेंट, इसको देखिए हम लोग बस बताए ना, एक ही दो को जानते हैं, इसको भी जानिए, पहला कौन सा है, कच्छ के साथ सर क्रिक, और उसका कौन सा हो जाएगा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कहाँ, तो सिंध प्रांत के साथ पाकिस्तान, नहीं मानता है उसको, ठीक है, दो। उसके बाद देखो यहां पर ना 1972 की बात है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं LOC, क्या बोलते हैं, और जो मैं भगवा कलर से इधर लिख रहा हूं ना, इसको बोलते हैं आपका रेड क्लिफ, क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। सुनो तो कितना लाइन हो गया, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ, ठीक है, हमारी 4 सीमा रेखाएं आपको याद रखनी है, ठीक है, पहली कौन सी याद रखनी है आपको, अभी अभी 5 बताऊंगा, सबसे पहले उत्तरी 24 डिग्री उत्तरी, सॉरी सर क्रिक रेखा,
पहली कौन सी? सरक्रिक। कहाँ? गुजरात के कच्छ में। उसके ऊपर आओगे सिंध में क्या पड़ेगा? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद आएगा तो कौन सा आएगा? रेड क्लिफ। राजस्थान पड़ा ना, राजस्थान वाला। तो राजस्थान वाला एरिया जाओगे ना, जैसलमेर वाला, तो ये कौन सा पड़ेगा? जहाँ बॉर्डर वाला लड़ाई हुआ था, पूछा जाएगा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ थे ना हमारे वो अंग्रेज, ठीक है, तो उन्होंने इसे सीधा खींच दिया लाइन रेड क्लिफ, ठीक है। रेड कलर का नहीं होता क्लिफ, तो रेड क्लिफ। लड़ाई होते रहता है हमारा, खून बहता है, तो लाल कलर का क्लिफ है ना, कौन सा क्लिफ? रेड क्लिफ बन जाएगा, रेड क्लिफ। ओके, किसके किसके साथ? तो देखो, पाकिस्तान आपको पता होगा, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था जब हम लोग आज़ाद किए थे उसको, है ना, पता है ना। ये कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी, और ये वाला पश्चिमी। तो इसीलिए रेड क्लिफ दोनों को बनाएंगे। तो यहाँ भी बांग्लादेश के साथ भी जो लगेगा उसको क्या नाम है? उसका भी नाम रेड क्लिफ बन जाएगा। तो बहुत आसान है, रेड क्लिफ बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही आप पढ़ते हो, मगर उसके अलावा भी आपको कई ठो पढ़ना है। रेड क्लिफ बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसके अलावा सरक्रिक, सर में क्रेक है उसके, किसके? पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा? सरक्रिक क्रेक कहाँ पर? गुजरात, ठीक है। हमारा इधर गुजरात वाला भी क्रेक, ठीक है है कि नहीं? तो क्रेक क्रेक सरक्रिक नहीं बनेगा, गुजरात वाला। उसका 24 डिग्री, कौन सा डिग्री? ठीक है, 24 इंच का छीना सीना, 56 इंच का नहीं, 24, ठीक है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहाँ पर हो जाएगा ये आपका? सिंध प्रांत वाला। और फिर यहाँ से चालू होगा कौन सा? रेड क्लिफ लाइन। कौन सा लाइन? रेड क्लिफ, ठीक है। 1947 में हुआ था निर्धारण। उसके ऊपर यहाँ पर आओगे ना तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। 1972 शिमला समझौता, शिमला समझौता, कौन सा समझौता? शिमला समझौता, LOC। LOC सुने होंगे, LOC भी पिक्चर भी आ गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, ये इंटरनेशनल इसको नहीं मानता है। हम लोगों ने क्या, सीज फायर लाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सीज फायर लाइन। पाकिस्तान घुस गया अंदर ना यार, ठीक है, और अंदर घुस गया तो हमने क्या किया, एक एक तार गेड़, तार होता ना, तार गेड़ दिया और गिड़ा गया, उसी को बोलते हैं LOC, ठीक है। मगर हमारी लाइन अंदर और जाती है, इधर इधर और जाती है उनके साइड, तो हम लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में चलता है, पता है, मतलब पंजाब को देखोगे ना, पंजाब वाला एरिया, ठीक है। तो खेत है, खेत खेत में देखोगे ना, तो खेत में आपका क्या है? फेसिंग है, इधर उधर खेती हो रहा है, ठीक है, इधर खेती हो रहा है, ठीक। पाकिस्तान पंजाब की बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए। और ड्रोन से क्या करते हैं, इसी फायदा उठा, ड्रोन के धान उनके खेत हो गया, तो कभी कोकीन हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी हथियार हो गया, फेंक देते हैं। तो खेत इधर भी खेती, सोचो किसान लोग रोज खेती करते हैं, और ये बस एक ठो ना तार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा? LOC होगा। कौन सा होगा? LOC, ठीक है। ये हमारे हमारे किसके? जम्मू कश्मीर के साथ भी कौन सा लगा हुआ है? तो LOC बन जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्षेत्र इसने कैप्चर कर लिया, क्या कर लिया है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। इसी के साथ हमारा LOC लगता है, कौन सा लगता है? LOC। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा अलग से बता रहा हूँ ना, थोड़ा देखना, वो समझ में नहीं आ गया, नहीं तो थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए इधर बोल रहा है कौन सा बोला? रेड क्लिफ, ठीक है। इसके बाद इधर से कौन सा चालू हो जा रहा है? तो ठीक है, कौन सा होगा? LOC, जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला को क्या बोलेंगे? तो पाक अधिकृत कश्मीर, POK, क्लियर है? अच्छा, LOC हो गया। अब LOC के बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है आपका सियाचिन। क्या है? सियाचिन, सुने हो? 1984 बाना सिंह मेघदूत, ठीक है, जब बता रहे तो बता ही दे रहे, ठीक है। यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, पहले पता है ये सियाचिन ग्लेशियर खाली रहता था, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे टॉप पे है, विश्व का सबसे ऊंचा रण स्थल, ठीक है। रण स्थल मतलब वहाँ पर लड़ाई होती है, ठीक है, विश्व का ना, भारत की बात करो। इस साइड पाकिस्तान रहा करता था, इस साइड हम रहा करते थे, सब ठीक था। पाकिस्तान वाले कैरेज दिखाए अपना मस्त, ठीक है, हिम्मत दिखाए और इस पर चढ़ गए सियाचिन पे। और चढ़ने के बाद नीचे हम खड़े थे, नीचे थे ना हमारा बॉर्डर वो था, दनादन मारना चालू, क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या किए, फिर हम 1984 में कैप्टन बाना सिंह के नेतृत्व में हमारा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था? ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था ना, इसी कैप्टन बाना सिंह और हमने सियाचिन को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद हम ऊपर रहते हैं, उसको तकते रहते हैं क्या कर रहे हैं,
है ना, क्या खा रहा है ऐसे करके देखते रहे है कि नहीं, कहाँ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सियाचिन में बहुत बहुत ही हार्श कंडीशन है, इस बता रहा हूँ, इस पर अगर आपको चढ़ना है तो यहाँ पर बेस कैंप बना है। बेस कैंप में पहले आप ट्रेनिंग लेंगे, बहुत हाई लेटीट्यूड पे है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन तक नहीं रहती है, बहुत सारे लोग वहाँ से आने के बाद मर जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है वहाँ पर, फिर भी हमको रहना पड़ता है वहाँ पर। मतलब रहने का आपको बता रहे खर्च ना एक दिन का कम से कम 2-4 करोड़ आता है, सोचो तो वहाँ रहने का। मतलब हमारे आधुनिक इक्विपमेंट एक से एक लगे हुए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, पहले यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, हेलीकॉप्टर से भी पहुँचा, हर सामान भेजाया जाता है, हर चीज़ भेजाया जाता है। बता रहे ना, कभी कभी वीडियो देखना, आलू टमाटर एकदम ना एकदम कठोर रहता, कट अंडा तक नहीं टूटता है, सोच के देखो कैसे खाते होंगे लोग, टूटता ही नहीं। देखा ना, मिलिट्री वाले बोलते क्या ऐसा रहना पड़ता है, 6-6 महीने में पोस्टिंग होती है, वहाँ पर रहना पड़ता है, ठीक है। -50 डिग्री, -50 समझते हो, अभी 1 डिग्री हो जाए तो हालत ख़राब, कोचिंग में आओ कल से आप लोग, ठंडी लग रहा था ऐसे करके, ठीक। मगर -50 डिग्री रहता है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान समझें, ये आपका कौन सा है, हमारा सियाचिन ग्लेशियर ये बॉर्डर बनता है, ठीक है। यहीं पर अभी प्रकृति भौतिक विभाग पढ़ाऊंगा ना, बताऊंगा हिस्पर, वुआफो, वाल्टोरा, ये सब ना हमारे क्या हैं, आपके हिमनद हैं, ठीक, ग्लेशियर्स हैं। हिस्पर, वाल्टोरा, ठीक है, आपका बियाफो, ये सब बॉर्डर बनाते हैं। यहीं पर पता है पाकिस्तान ने क्या किया, एक रोड, ठीक, सीपेक वाला रोड जो है ना, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत दे दिया था, हम लोग गुस्सा है उससे। तो याद रखिएगा ये हमारा कौन सा होगा, सियाचिन, बस बॉर्डर याद बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान, चाइना ने ले लिया इसको, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका अक्साई चीन, क्या बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन मतलब चाइना ने ले लिया। और ये वाला क्षेत्र हमारा LAC कहलाता है, क्या कहलाता है, LAC। यहीं पर गलवान वैली हुआ था ना, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, जो पॉइंट है 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट 14 पॉइंट 18 पॉइंट। तो यही याद रखेगा, ये वाला अक्साई चीन हमारे पास नहीं है, देखो सोच के देखो एक बार, भारत हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, मगर भारत का वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। यहीं पर एक बॉर्डर है बस, एक टॉप है, कौन सा है आपका, सियाचिन, ठीक है। तो सियाचिन है, ठीक, देख के आए जी, है ना, चढ़ कर आए उसके ऊपर, ठीक। तो ये सियाचिन याद रखिएगा बहुत। हाँ, इधर आपका K2 पड़ेगा, K2 गाड़वी नासिंग, भारत का सबसे हाईएस्ट आपका चोटी, सुने तो हो गया ना, K2 पाक अधिकृत कश्मीर में है, यहीं पर है दे, सियाचिन के बाजू में, ठीक है। यहाँ से ये देखते रहता है हम लोग, ठीक है, K2 गाड़वीन आस्टिन, सुने तो हो, ठीक है। तो ये अभी इसमें है, तो मैं ये बता रहा था, ये हमारा ये वाला लाइन क्यों, क्या बोलते हैं, LAC, क्या बोलेंगे, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल, किसके साथ लगा हुआ है, चाइना के साथ, चाइना के साथ, मतलब चाइना के साथ नहीं लगा जी, हमारा ही है, है ना, ये आपका अक्साई चीन के साथ लगा है, किसके साथ लगा है, अक्साई चीन, किसके साथ, अक्साई चीन, बन जाएगा। तो अक्साई चीन के साथ लगा हुआ। इसके बाद देखो इधर आगे बढ़े, यहाँ तक का सीन समझ में आया, इधर पाकिस्तान से अब चाइना पहुँच गए हैं, ठीक है। अब चाइना देखे, अक्साई चीन के बाद अगर आप आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा डोंगरा लद्दाख, डोंगरा लद्दाख, कौन सा लद्दाख, डोंगरा लद्दाख क्षेत्र, कौन सा लद्दाख, डोंगरा, और जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, लद्दाख का क्षेत्र, ठीक है, उसको उसको बोलते हैं डोंगरा लद्दाख। यहाँ पर जो सैनिक खड़े रहते हैं ना, उनको ITBP बोलते हैं, ITBP, सुने हो क्या, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ध्यान सुनना है सब, हाँ, तो और मैं क्या बोला, तो इंडियन मतलब क्या बताया, आइलैंड, आइसलैंड बता दिया क्या, तो भारतीय तो बोल रहा था, इंडियन ही बोल दिया, बस अंग्रेजी बोल दिया था, ठीक, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ये जो ITBP है ना, इन लोगों का ड्रेस थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा फैड रहता है, फैड, बाकी इन लोगों का, इधर आर्मी लगेगा, ठीक है, इधर BSF लगते हैं जी, सुनो तो, इधर कौन लगेंगे, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो ये लोग क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, ये लोग खड़े रहते हैं, ठीक है, देखते रहते, कोई घुसे मत, घुसे मत, वो लोग सब इसमें मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। और लड़ाई हुआ ना तो ये हट जाते हैं, पता आपको, BSF जो है हट जाती है और आर्मी आती है फिर इसको टेक चार्ज लेने। जब तक लड़ाई में आर्मी नहीं है तब तक उस पॉइंट को या इस बॉर्डर को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी BSF की, अंतर समझिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, लिखा भी बॉर्डर सिक्योरिटी, आर्मी लड़ाई करना जाती है कैसे मारना है, और इन लोग जानते हैं कैसे घुसपैठियों को रोकना है, अलग अलग चीज़ें है ना,
तो याद रखिएगा बीएसएफ क्या करती है, बॉर्डर की सुरक्षा करती है, लड़ाई हुआ तो ये पीछे हटेगी, ठीक है, कौन आ जाएगी इसका चार्ज लेने, आर्मी, आर्मी अंदर में रहती है, अंदर में, जैसे देखो बीएसएफ है ना, तो इसका कैंप के अंदर इधर कैंप लगा होगा 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर इधर, इधर आर्मी होगी, मस्त अपना खाते हैं, तनतन है, दौड़ते हैं, दिन भर प्रैक्टिस करते, कुछ नहीं करते, ठीक है, कुछ नहीं करते, वो बस ऐसे ही चलता है, ठीक है, घोड़ा है ना, घोड़े को बैठाते नहीं है, नहीं दौड़ना भूल जाएगा, तो आर्मी वाले हमेशा प्रैक्टिस, हमेशा ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग तो फलाना ट्रेनिंग, तो कुछ ट्रेनिंग दिन भर करते रहे, और जैसे ही लड़ाई हुआ बीएसएफ हटी, आर्मी आ जाती, मगर इधर कौन सा है, तो इधर आईटीबीपी कौन सा है, छोटू छोटू रहेंगे मस्त, है ना, कूद कूद के चढ़ जाएंगे, कहाँ पर, उधर पहाड़, पहाड़ चढ़ना है ना जी, देखो उसमें वहाँ पर जीना कैसे है वो आपको दिखा, आप लड़ने से ज़्यादा ना सांसें में मर जाओ, सांसें नहीं ले पा रहे, तो लड़ो कैसे, है कि नहीं, तो इसीलिए ना यहाँ पर अलग, यहाँ की ट्रेनिंग अलग होती है, इसीलिए यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा अलग है, इसलिए आईटीबीपी रहते हैं, आईटीबीपी में हमारा गोरखा रेजिमेंट होता है, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट सुने हो, ठीक है, खुखरी रहता है, खुखरी वाला, तो वही वाला सुनो, तो इधर पहले बॉर्डर देख लेते हैं, बाद में आर्मी समझते हैं। एलएसी के बाद कौन सा जाएगा, डोंगरा लद्दाख क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, पाकिस्तान, एक्चुअली में तिब्बत के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, तिब्बत, ये तिब्बत वाला एरिया है जो कब्जे कर लिया किसने, चाइना ने, तो अभी चाइना बोल दो या तिब्बत बोल दो, बराबर है ना, तो डोंगरा लद्दाख बनेगा। अच्छा सुनो, जैसे इसके नीचे उतरो लद्दाख नीचे पड़ेगा, ये हिमाचल प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, आपका हिमाचल प्रदेश वाटर डिवाइडेड है ना, जल विभाजन, मैं बॉर्डर बता रहा हूँ आपको, चाइना के साथ बॉर्डर लगेगा तो सबसे पहले एलईसी लगेगा, अक्साई चीन के साथ, उसके नीचे आओगे लद्दाख में तो डोंगरा लद्दाख, डोंगरा लद्दाख याद रहेगा, और उसके नीचे हिमाचल प्रदेश पड़ता है हमारे इंडिया में, हिमाचल प्रदेश का जल विभाजन मतलब वाटर डिवाइडेड, मतलब चाइना के साथ जल का जल विभाजन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपका सतलज नदी है, ठीक है, सतलज सुने हो ना, सतलज नदी पढ़ेंगे ना, सतलज तो हिमाचल से प्रदेश से ही एंटर करती है अंडर, ठीक है, रोहतांग दर्रे से, तो हिमाचल प्रदेश में जल विभाजक पानी विभाजित करता है पानी, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आ जाइए सीधा सीधा थोड़ा सा उत्तराखंड पकड़ेगा, और पकड़ेगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वहां पर पड़ेगा मैकमोहन 1914, ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूं, देखो जी ठीक है, इसको खत्म कर देते फिर वो करते, देखो इधर क्या बताया आपको, एल ए सी, इधर डोंगरा लद्दाख, इधर क्या बताया, जल विभाजक, और इधर तो पूरा कौन सा आ गया, तो नेपाल आ गया, नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर ओपन है, कैसी है, ओपन बॉर्डर, कोई नाम है नहीं, ठीक है, नेपाल के साथ बॉर्डर ओपन है ना, इधर क्या आ जाएगा, सिक्किम, सिक्किम आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, इसी को बोलते हैं मैकमोहन, क्या बोलेंगे, मैकमोहन 1914, मैकमोहन रेखा, तो चाइना के साथ क्या लगती है, बहुत सिंपल प्रश्न पूछता है, अभी तक पूछा हुआ है कि मैकमोहन रेखा किसके साथ लगती है, तो चाइना के साथ, ठीक है, मगर उसके अलावा भी आपको दो याद रखने हैं, कौन सा, एलएसी याद रखना है, डोंगरा लद्दाख याद रखना है, और जल विभाजक याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है ना, हम तैयार रहेंगे पूरी तरह से, चाहे कैसे भी ये प्रश्न आ जाए, तो मैकमोहन जनरली पूछता है, बन जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कब, यहाँ पर देखो, इसको मानता नहीं है ना चाइना, वही फिर बोलता, इसको नहीं मानता, ये बोलता है हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, मणिपुर हमारा है, जानबूझ के बोलता है कि हम लोग इसको क्लेम मत करें ऐसे करके, ठीक है, अक्साई चीन को हम लोग क्लेम नहीं करें, जैसे मान लो जैसे आपकी गलती है, ओके, है ना, जैसे हमारी गलती है, तो आप बताओ उससे पहले हम आपका 10 गलती निकाल दें, है कि नहीं, तो आप अपनी गलती को ठीक करते करते हमारा भुला जाओगे कि नहीं, वो ऐसी सीन है, हम इसको मांगेंगे ना, ठीक है, जानता है कब्जा किया करके 1962 में जब वॉर हुआ था ना, तो ये कैप्चर कर लिया था, ठीक है, तो अब इसको क्लेम करता है कि हमारा है ऐसे करके, ओके, तो हम इधर उलझे हैं, उधर मांगेंगे नहीं, तो ये थोड़ा सा सिस्टम है, थोड़ा हमेशा क्लेम करते रहना अरुणाचल प्रदेश को, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखते रहता है, ठीक है, तो चाइना का पॉलिसी है, तो मैकमोहन को नहीं मानता, क्लियर है, इधर देखो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पर है अराकान युमा की पहाड़ियाँ, कौन सी, अराकान युमा नागा पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी, लुसाई, ठीक, ओके, अराकान युमा, सुनिए ना, एक ऐसा हमारा देश है जिसके साथ हमारा, हमारे
कोई भी सीमा को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, वो है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है, बाकी सबके साथ हम लोग लड़ते झगड़ते हैं। ठीक, किसके साथ नहीं है? म्यांमार के साथ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर? पहाड़ी का नाम है, हम लोग पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत का भाग है ये, अराकन। मोटा मोटी पूरे को अराकन योमा बोल देते हैं, हालांकि लुसाई की पहाड़ी, पटकाई भूम की पहाड़ियाँ, ठीक है, अराकन योमा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, ठीक है, गारो खासी इधर तो हो गए, सॉरी, ये सब पहाड़ियाँ जो है अराकन म्यांमार के साथ बॉर्डर है। किसके साथ बॉर्डर है? म्यांमार। ओके, म्यांमार के साथ बॉर्डर बन जाएगा। ओके, और लास्ट हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? कौन सा? बांग्लादेश के साथ। कौन सा? रेड क्लिफ। कौन सा? सर्वाधिक सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश। ओके, अब अगर आपसे पूछ ले कि श्रीलंका के साथ कौन सा संधि, तो कौन सा बॉर्डर है, तो पाक जल डमरू भी बताए, पाक जल संधि वही, ठीक है, कोरोमंडल यही तो अलग करता है ना, ठीक है, बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं आपका, मालदीप को, मालदीप भी बॉर्डर बनाता है हमारा लक्षद्वीप के साथ। इतना पहले आप याद तो करें, ठीक है, तो बॉर्डर हमारी आज हो गई, आज हमारी बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए थी हो गई, लैटिट्यूड थोड़ा सा बच गया है, उसको कर लेंगे, और कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है, उसमें या चट्टान या फिर मिट्टी वगैरह, ठीक है।